पहले खबर की बात कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज सुबह 5 बजे महादेव घाट पहुंचकर पुन्नी मेले में शामिल हुए। सीएम ने महादेव घाट पर आस्था की डुबकी भी लगाई। डुबकी के बाद सीएम ने दीपदान कर बाबा हटकेश्वर नाथ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम ने कार्तिक पूर्णिमा के प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि जैसे सावन में भगवान शंकर की पूरे महीने भर पूजा अर्चना की जाती है, उसी प्रकार से कार्तिक में भी नदी और तालाब में स्नान करके सूर्य उदय से पूर्व पूजा अर्चना की जाती है। इसका महत्व है, आज के ही दिन से हमारे छत्तीसगढ़ में मेलों की शुरुआत होती है। जैसे सावन में भगवान शंकर के पूरे महीने भर पूजा अर्चना और आराधना की जाती है, उसी प्रकार से कार्तिक में भी पूरे 15 दिन तक के नदी या तालाब में स्नान करके सूर्योदय से पूर्व पूजा अर्चना की जाती है। इसका महत्व है और आज ही के दिन हमारे छत्तीसगढ़ में मेलों की शुरुआत होती है। वो महादेव घाट से यहाँ पुन्नी मेला हर साल भरता है, तो इसका अपना महत्व है। खासकर बच्चे लोग थाली सजा के कार्तिक पूर्णिमा में जाते हैं और केसरिया फूल का और विशेष रूप से महत्व रहता है, तो इसीलिए तालाब के किनारे जो शिव मंदिर हो वहाँ पे केसरिया के फूल के पौधे जरूर लगाए जाते हैं। तो आज कार्तिक पूर्णिमा के पूरे प्रदेशवासियों को बहुत इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संहिता हेमंत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, जैसा कि आज कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह से ही पूजा पाठ में लीन नजर आए थे, सुबह से अभी तक उनके दिन की शुरुआत किस तरीके से हुई, विस्तार से जानना चाहेंगे हेमंत। देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आज उसकी एक और झलक रायपुर के महादेव घाट में देखने को मिली। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर साल महादेव घाट पर पुन्नी मेले का आयोजन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ में पुन्नी मेले का नाम दिया गया है और उसी के रूप में यहाँ मनाया जाता है और उसी में शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 5 बजे महादेव घाट पहुंचे। उनके साथ विधायक विकास उपाध्याय, महापौर रिचार्ज डेवर सहित मौजूद थे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने वहाँ पर जो महादेव घाट है वहाँ पर आस्था की डुबकी भी लगाई और उसके बाद दीपदान कर जो प्राचीन मंदिर है महादेव घाट पर बाबा हटकेश्वर नाथ का, उनका दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना भी की है। एक तस्वीर इस दौरान देखने को मिली और काफी लोग अब इस तस्वीर की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। दरअसल जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घाट पर डुबकी लगा रहे थे, उस समय उन्होंने कला बाजी दिखाई, वो उल्टे जो लानबाजी कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, वो वहाँ पर करते दिखाई दे। पिछले साल भी पुन्नी मेले के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ सुबह 5 बजे पहुंचे थे और इस साल भी वही नजारा देखने को मिला। सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि आज ही के दिन छत्तीसगढ़ में मेले की शुरुआत होती है और आज का दिन काफी पुण्य होता है। इसके अलावा महादेव घाट की अगर बात की जाए तो इस बार बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर स्नान करने पहुँचे थे, क्योंकि आज के दिन स्नान करना, नदी और तालाबों में स्नान करना काफी पुण्य माना जाता है, इसलिए लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि कोरोना का थोड़ा बहुत प्रभाव वहाँ पर देखने को मिला, हर साल काफी हजारों की संख्या में वहाँ पर भीड़ लगती है, लेकिन इस बार जो भीड़ है वो थोड़ी कम थी। वहाँ पर कोविड नियमों का पालन भी वहाँ पर किया गया, पहले ही जिला प्रशासन ने ये निर्देश दिया था कि मेला जो पहले की तरह होता था उसको छोटा किया गया है और सभी कोविड नियमों का पालन कर वहाँ पर जाए, तो उसी के अनुरूप तो वहाँ पर लोग पहुँचे थे, सभी ने मास्क भी पहन रखा था। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।
महादेव दिवाली के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी